गुड़िया बेटी, तुम मेरे पेड़ से ये फूल तोड़कर जमीन में गाड़ देना, फिर तुम्हारे पास भी ढेर सारी मटरें होंगी। ठीक है पेड़ अंकल, मैं कल ही आपके पेड़ से फूल तोड़कर जमीन में गाड़ दूंगी। गुड़िया बेटी, तुम एकदम सच कह रही थी, इस पेड़ पर तो वाकई में रंग बिरंगे फूल लगे हैं। फिर अचानक से वहाँ भी कई सारे मटर के पौधे उग आते हैं। गुड़िया गुड़िया, क्या तुम भी मटर के दाने खाओगी? लाडो, क्या ये मटर के दाने मीठे हैं? मैंने तो ये मटर कभी नहीं खाई। अगर आपके पास पैसे हो तो मुझे भी दो मटर दिलवा दो। नहीं नहीं गुड़िया, मैं तो मजाक कर रही थी। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। वो लाड़ो चिड़िया ऐसे गुड़िया का मजाक बनाती है। नहीं गुड़िया, मेरे पापा किसी को मुफ्त में मटर के दाने नहीं देते, इसलिए अब तुम जाओ और अपनी मम्मा से पैसे लेकर आओ। ये गुड़िया के साथ पहली बार नहीं हुआ था, ये तो कई बार हो चुका था। वो छोटे बच्ची ऐसे ही गुड़िया का मजाक बनाते हैं। फिर गुड़िया रोती वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है। गुड़िया तो अनाथ थी, उसके पापा की मौत तो उसी समय हो गई थी जब वो अंडे से भी बाहर नहीं आई थी। उसकी मम्मा बहुत गरीब थी और वो तो एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। उसके पास इतने भी पैसे ना थे कि वो गुड़िया की हर इच्छा को पूरी कर सके। गुड़िया रोती घर आ जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, ये क्या आज तुम फिर से रो रही हो? क्या फिर से आज किसी ने तुमसे कुछ कहा है मेरी बेटी? मम्मा मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं? आप मुझे मेरे पापा लाकर दो ना मम्मा। गुड़िया मेरी बेटी, आपके पापा ये जंगल छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं, अब वो हमारे पास वापस कभी नहीं आ सकते। मम्मा मम्मा, सभी छोटे बच्चियों के पापा उन्हें पैसे देते हैं और हर चीज खिलाते हैं। मम्मा, आज फिर से लाडो और जग्गू ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। गुड़िया बेटी, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि उस जग्गू कौवे की दुकान पर मत जाया करो, वो तो अपने पापा की दुकान से हर चीज लेकर खाता रहता है। लेकिन तुम्हें कौन देगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, जब मैं इस महीने का किराया दे दूंगी तो पैसे बचेंगे तो मैं भी तुम्हारे लिए ले आऊंगी। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है और वो तो सब कुछ भूल जाती है। वो तो ये भी भूल जाती है कि ये सब तो उसकी मम्मा उसे हर महीने कहती है, लेकिन वो बेचारी उसे मटर कहाँ से ला कर देती। वो तो घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलाती थी और तो और उसे घर का किराया भी देना था। फिर रात भी हो जाती है और रोते रोते गुड़िया सो जाती है। मैं जानता हूँ गुड़िया कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारा मटर खाने का मन बहुत कर रहा है। पेड़ अंकल, वो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और मुझे दिखा दिखा कर मटर खाते हैं। गुड़िया बेटी, अब तो तुम भी मटर खाओगी और वो भी मीठी मीठी। वो कैसे पेड़ अंकल? मेरे पेड़ पर ये फूल लगे हैं, आप इन्हें तोड़कर ले जाना और अपने घर के पास बो देना। इन्हें बोने के बाद जो पौधे उगेंगे उन पर ढेर सारी मटरें लगेंगी। क्या क्या सच में पेड़ अंकल? हाँ, लेकिन आप मेरे बारे में किसी और को ना बताना, क्योंकि मैं सिर्फ उसी की मदद करता हूँ जो बहुत ही अच्छा और नेक दिल बच्ची होता है। फिर तो मैं भी मटरें खाऊंगी, फिर तो मैं भी ढेर सारी मटरें खाऊंगी। गुड़िया बेटी, ये तुमने क्या मटरे मटरे लगा रखी है? सारा दिन कौवे की मटरे देख देख कर तुम्हें सपने में भी मटरे दिखाई दे रही हैं। ये तो एक सपना था, मैं सुबह अपनी मम्मा को इस सपने के बारे में बताऊंगी। ये कहकर गुड़िया फिर से सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। गुड़िया आज तो सुबह जल्दी उठ जाती है और वो अपनी मम्मा को रात के सपने के बारे में बताती है। गुड़िया बेटी, अगर हम जैसे गरीब ऐसे फूल बोकर मटर की खेती करने लग गए तो फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और बीच के भी पैसे बचेंगे। मम्मा, आप मेरे साथ चलो। अगर नदी के पास मुझे वो रंगीन फूलों वाला पेड़ नहीं मिला
तो समझना मेरा सपना झूठा है। गुड़िया, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी नदी पर जाती हैं। जब वो नदी पर जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ तो सच में एक बड़ा पेड़ है जिस पर रंगीन फूल लगे हुए हैं। मम्मा मम्मा, मैं ना कहती थी कि मेरा सपना सच्चा है। फिर गुड़िया वहाँ से कुछ फूल तोड़ लेती है। गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है। मम्मा, मेरे इन फूलों से जब मटर के पौधे उगेंगे और उन पर मटर लगेंगी तब आपको विश्वास हो जाएगा। फिर गुड़िया उस पेड़ से वो फूल लाकर अपने घर के बाहर दबा देती है और दबाने के बाद उसे पानी दे देती है। गुड़िया की माँ रानू तो थोड़ी दूर बैठी अपनी बेटी को ये सब करते देख बहुत खुश हो रही थी। मेरी बेटी ना पागली है, मटर खाने का इतना भूत सवार हो गया है इसके सर पर कि हर समय मटर मटर ही बोलती रहती है। गुड़िया बेटी, अब मटर के बीज बो दिए हैं तो चलो घर की छत की मरम्मत भी करनी है, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई तो अपनी छत टपकने लगेगी। बस कुछ ही दिनों बाद हम अपनी मटर के पौधों से मटर तोड़कर बाजार में बेच देंगे और जो पैसे आएंगे उनसे अपने लिए नया घर खरीद लेंगे। गुड़िया बेटी, अब चलो, अब शाम होने को है। फिर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। जग्गू जग्गू, तुम्हें पता है अब मैं भी मटरें खाऊंगी। गुड़िया की ये बात सुनकर तो रानू समझ जाती है कि अब गुड़िया जग्गू को उन मटर के पौधे के बारे में बताएगी। गुड़िया बेटी, अब तुम चुप हो जाओ, क्यों तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रही हो। जग्गू, तुमने सुना है, अब गुड़िया भी मटरें खाएगी। हाँ मम्मा, अब गुड़िया सपने में मटरें तोड़ तोड़ कर खाएगी। नहीं, मैंने अपने घर के बाहर मटर के पौधे बोए हैं और अब उन पर ढेर सारी मटरें लगेंगी, तब मैं जी भर कर मटरें खाऊंगी। गुड़िया, अगर तुम जैसे गरीब मटर की खेती करने लग गए तो फिर तो हमारी सब्जी की दुकान ही बंद हो जाएगी। ये कहकर तो गोरी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब घर चलो, मैं ये लकड़ियाँ उठाती हूँ और आप ये सूखी घास उठा लें। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ चली जाती हैं। गुड़िया गुड़िया, घर जाकर अपने मटर के पौधों को पानी दे देना। जग्गू ऐसे गुड़िया को आवाजें देते हुए हंस रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। गुड़िया बेटी, मुझे पता है कि आपको सोने की इतनी जल्दी क्यों है। ताकि जल्दी से रात गुजर जाए और मैं अपने मटर के पौधों को देख सकूं। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं और रात को गुड़िया को फिर से सपना आता है और सपने में वही पेड़ आता है। गुड़िया, क्या मेरे फूलों को जमीन में दबाकर पानी दे दिया है। मैंने दो बार पानी दिया है पेड़ अंकल जी। गुड़िया बेटी, कल तुम्हारे खेत में वो पौधे उगेंगे और फिर उन पर मटर लग जाएंगी, फिर तुम जी भर कर मटर खाना और बाजार में बेचकर पैसे भी कमाना, और हाँ तुम कभी भी लालच मत करना। मैं वचन देती हूँ अंकल, पेड़ मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी। फिर गुड़िया की आंख खुल जाती है। फिर वो सारी रात जागकर गुजारती है और फिर सुबह भी हो जाती है। दोनों माँ बेटी अपने खेत पर आ जाती हैं, तो वहाँ तो सच में मटर के पौधे उगे हुए थे। मम्मा मम्मा, मेरे मटर के पौधे उगाए हैं, मेरे मटर के पौधे उगाए हैं। गुड़िया गुड़िया, ये तो कोई सच में चमत्कारी मटर के पौधे लग रहे हैं। फिर देखते देखते अचानक से उन मटर के पौधों पर मटरें भी लग आती हैं। गुड़िया बेटी, इन पौधों से मटरें खाकर तो देखो कि इनका स्वाद कैसा है। फिर गुड़िया वो मटरें खाती है और खाने के बाद कहती है, मम्मा मम्मा, ये मटरें तो बहुत अच्छी हैं।
फिर इस तरह से वो दोनों मटरे बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाती हैं और इस तरह से मटर की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी, तब से रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो लूसी कबूतरी के घर में काम करती थी। क्योंकि लूसी कबूतरी बहुत अमीर थी, लूसी कबूतरी का एक बेटा भी था कुकू, जो कि विदेश में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वहीं गुड़िया की एक सहेली भी थी लाडो चिड़िया, वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियाँ थीं और आपस में खूब हंसी मजाक भी करती थीं। एक दिन लूसी कबूतरी अपनी नौकरानी रानू से कहती है, अरे रानू, मेरा बेटा कुकू 2-3 दिन बाद विदेश से घर वापस आ रहा है, तो तू ऐसा करना, कुछ दिन थोड़ा जल्दी आकर घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना, क्योंकि मेरे बेटे को गंदगी जरा भी पसंद नहीं है। मालकिन वो क्या है ना, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं अपनी बेटी गुड़िया को भेज दूँ। ठीक है, तू अपनी बेटी को ही भेज देना, वैसे भी इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता, अगर तेरी बेटी रहेगी तो साथ में काम कर लेगी। तभी उसी शाम लाडो अपनी सहेली गुड़िया के घर आकर उससे कहती है, गुड़िया तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है, आज मुझे देखने मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, अगर मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी जल्दी ही शादी हो जाएगी। ठीक है लाडो, मैं भी तेरी शादी में जरूर आऊंगी। फिर लाडो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लाडो की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया को पता चलता है कि लाडो अपने मायके वापस आई है, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं अपनी सहेली लाडो से मिलने उसके घर जा रही हूँ, आज वो बहुत दिनों बाद अपने मायके आई है, हम दोनों सहेलियाँ खूब बातें करेंगे, अगर मुझे घर आने में थोड़ी देर भी हो जाए तो आप चिंता न करना। अच्छा ठीक है गुड़िया, तू जा, मैं नहीं चिंता करूँगी। फिर गुड़िया अपनी सहेली लाडो से मिलने उसके घर आती है। अरे लाडो कहाँ है तू, देख मैं तुझसे मिलने तेरे घर आई हूँ। मैं यहाँ कमरे में हूँ गुड़िया, तू यहीं आ जा। फिर गुड़िया लाडो के कमरे में आती है। कहो लाडो, तू तो कितनी बदल गई है, और ससुराल जाकर तू तो अपने मायके को भूल ही गई। तभी गुड़िया की नजर लाडो चिड़िया के जख्मों पर जाती है। लाडो ये क्या हुआ तुझे, ये तेरे पंख पर चोट कैसे लगी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? गुड़िया की ये बातें सुनकर लाडो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, क्या बताऊं गुड़िया, ये सारे जख्म मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं, वो दिन रात मुझसे काम करवाते हैं और जरा सी देर हो जाने पर मुझे डंडों से पीटने लगते हैं। तेरे ससुराल वाले तो बहुत जालिम हैं लाडो, तू उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ मैं उनसे, अपनी माँ से कहा तो माँ कहने लगी कि ससुराल वाले ऐसे होते हैं और बहुत कुछ सहना पड़ता है ससुराल में। लाडो का ये हाल देखकर गुड़िया डर जाती है और वो दुखी मन से अपने घर लौट आती है। उसे दुखी देखकर रानू चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ गुड़िया बेटा, तू तो अपनी सहेली से मिलने गई थी ना, तो तू इतनी दुखी क्यों है? माँ आपको पता है लाडो के ससुराल वालों ने लाडो की क्या हालत बना दी है, उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान हैं और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, माँ मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है, समय आने पर एक न एक दिन सबको ससुराल जाना पड़ता है, मैं भी तो दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। लेकिन माँ मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बहुत रात हो गई है गुड़िया, चल तू खाना खा ले और सो जा, क्योंकि सुबह तुझे मेरे बदले पर लूसी बहन के यहाँ काम करने जाना है।
फिर अगली सुबह गुड़िया अपनी माँ की जगह पर लूसी कबूतरी के घर पर काम करने आती है। तू आ गई गुड़िया, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। फिर गुड़िया हॉल में बैठकर सब्जी काटने लगती है, तभी दरवाजे की बेल बजती है। गुड़िया जरा दरवाजा खोलकर देख कौन है दरवाजे पर। जी आंटी, मैं अभी देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है, सामने कुकु चिड़ा खड़ा था। अरे घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए आपको किससे मिलना है, आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुलाकर लाती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा तू आ गया, लेकिन तेरी फ्लाइट तो दोपहर को आने वाली थी। माँ आप वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि ये खूबसूरत सी चिड़िया कौन है। बेटा ये गुड़िया है, वो अपने यहाँ काम करने वाली बाई आती है ना, उसी की बेटी है। गुड़िया जा जाकर मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ और फिर खाना बनाने में जुट जाओ। जी मैं अभी ला रही हूँ, और आंटी आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना अकेले ही बना लूंगी। आप बैठकर अपने बेटे से बात कीजिए, मुझे खाना बनाना आता है। फिर गुड़िया किचन में आती है और सारा खाना अकेली बनाकर तैयार करती है। जब कुकु वो भोजन खाता है तो कहता है, माँ ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, मन करता है भोजन बनाने वाली का हाथ चूम लूं। ये सब सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। सच में गुड़िया तूने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, ऐसा भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बनाती थी। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है और कुकु मनीमन गुड़िया को पसंद करने लगता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक गुड़िया को नहीं बताई थी। इसी बीच रानू चिड़िया काम पर वापस लौट आती है और गुड़िया काम पर आना बंद कर देती है। गुड़िया के काम पर न आने से कुकु बहुत बेचैन होता है और एक दिन वो अपनी माँ को अपनी दिल की बात बताता है। ये तू क्या कह रहा है कुकु, तू एक नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है? हरगिज नहीं, मैं एक नौकरानी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तो ठीक है माँ, अगर आपने मेरी शादी गुड़िया से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा। अब लूसी कबूतरी के पास अपने बेटे की बात मानने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो पंडित को अपने घर बुलाती है और अपने बेटे का रिश्ता लेकर रानू चिड़िया के घर भेजती है। रिश्ता अच्छा होने की वजह से रानू चिड़िया तैयार हो जाती है, लेकिन जब गुड़िया को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो लाड़ो के बारे में सुनकर डर जाती है। माँ क्या मैं आप पर बोझ बन रही हूँ जो आप मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेजना चाहती हैं? माँ ससुराल में मरने से तो अच्छा है आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार दो। गुड़िया ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, हर ससुराल लाड़ो के ससुराल जैसा नहीं होता, तू तो बेकार में ही डर रही है। रानू के लाग समझाने पर भी गुड़िया शादी के लिए तैयार नहीं होती, तब गुड़िया का होने वाला पति कुकु और उसकी सास उसके घर आती है। तब वो गुड़िया को समझाती है, बेटा मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी और तुझे इतना प्यार दूंगी कि तू अपना मायका भी भूल जाएगी। और मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करेगा। अपनी सास की ये बातें सुनकर गुड़िया के मन से अपने ससुराल और सास के प्रति मन का डर निकल जाता है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद कुकु और गुड़िया की शादी होती है और गुड़िया नौकरानी से लूसी की बहू बन जाती है। एक दिन लूसी कबूतरी की पड़ोसन गोरी कौ भी उसके घर आती है और वो कहती है, गुड़िया बहू आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन गुड़िया तो जमीन पर ही बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम कुर्सी पर बैठो, तुम नीचे क्यों बैठ गईं? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बहू बन गई हो। लूसी मुझे तो लगता है
तेरी नौकरानी तेरी बहू तो बन गई, लेकिन औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूटी है, जो तेरे बेटे ने एक नौकरानी को अपनी बहू बना लिया। अब तुझे जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गोरी बहन, मेरी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में गुड़िया अपने ससुराल के सारे तौर तरीके सीख जाती है, फिर सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू के पति की मौत कैसे हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।